त्रिशंकर थाना अंतर्गत अनासागर में पुरानी चौपाटी के पास एक बच्ची की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश की सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस और किशनगंज थाना पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। किशनगंज थाना पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची खानाबदोश परिवार की लगती है, मगर शुक्रवार को बच्ची का पोस्टमार्टम कर ही मामले का खुलासा हो पाएगा। आज इसे बताइए क्या है पूरा मामला। अभी 5 बजे करीब थाने पर सूचना मिली थी, अनासागर पुरानी चौपाटी के पास जो नाला है RG एकेडमी के पास, उसमें एक 3 साल की बच्ची 3-4 साल की बच्ची की बॉडी दे दिए गए, जिसमें यह पहुंचे सिविल डिफेंस के लोग भी आ गए थे और थाना स्टाफ भी आ गया, बच्ची को निकाला है। प्रथम दृष्टया देखने से ये बजरंगढ़ पे जो खानाबदोश घूमते हैं उनकी लग रही है। वहाँ बजरंगढ़ पे भी जाके तलाश किया है और सबको बताया है, पता लग जाता है जैसे भी होगा। तो बॉडी चीट कर मिलता है अभी तक तो डूबने से ही लग रहा है प्रथम दृष्टया तो। हमारे ESC बाढ़ कंट्रोल रूम में अभी सूचना है कि एक बच्ची के डूबने की सूचना मिली है, तो फिर हम वहाँ से रवाना हुए तो यहाँ पे आए तो बच्ची नाले के अंदर पानी के अंदर पाई गई, तो फिर हमने उसे बाहर निकाल लिया। अब ये बच्ची अज्ञात है, ये हमें कुछ भी जानकारी नहीं है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए भी थानेदार जी इंक्वायरी कर रहे हैं, बच्ची के कौन पिता है नहीं है, उनके लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। कितने साल की लग रही है बच्ची? कम से कम 8-10 साल की लग रही है सर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो, हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट।